नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं प्रशांत शर्मा। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए इस वक्त कुछ भी अच्छा घटते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। पहले बांग्लादेश विश्व कप से बुरी तरह से हारकर बाहर हो गया, फिर हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई तीन मैचों की T20 श्रृंखला में भी अपने ही घर में 3-0 से मुंह की खानी पड़ी। वहीं अब अगले साल होने वाली न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट श्रृंखला से बांग्लादेश के दिग्गज सलामी बल्लेबाज तमीम इकबाल सीरीज से बाहर हो गए हैं। तमीम इकबाल अंगूठे की चोट के चलते अब इस श्रृंखला का हिस्सा नहीं होंगे। तमीम के टेस्ट सीरीज में नहीं खेलने की पुष्टि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फिजिशियन ने की। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुख्य फिजिशियन देबाशीष चौधरी ने बात करते हुए कहा कि तमीम को अपने अंगूठे की चोट से उभरने के लिए एक महीने की आराम की जरूरत है। उन्हें बीते महीने ये चोट लगी थी। चौधरी ने कहा कि चोट लगने की वजह से वो फिजिशियन से मिले जिसने उन्हें एक महीने रेस्ट करने को बताया। आपको बता दें कि तमीम इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ 26 तारीख से खेले जाने वाली दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला से भी बाहर हुए थे और अब उन्हें न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भी अनफिट घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये टेस्ट श्रृंखला टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होगी। बता दें कि तमीम पिछले काफ़ी समय से चोटिल चल रहे हैं, क्योंकि इस साल UAE और ओमान में खेले गए T20 विश्व कप में तमीम इकबाल को टीम में शामिल नहीं किया गया था। उनको टीम में ना शामिल करने की वजह घुटने की चोट से उबरने के लिए खेल की समय की कमी का हवाला दिया गया था। अब देखना होगा कि तमीम कब अंगूठे की चोट से ठीक होकर बांग्लादेश की टीम में वापसी करते हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।